जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी, जय श्री राम। सुबह की 8 8 बजने 7:59 AM 7:59 AM 21 मार्च, 7:59, 8 बज गई। अब 8 बज गई तो एग्जैक्टली 8 बजी है। और 22,076, अरे बाप रे, 166, अरे बाप रे, ये बीएस को ऐसा झटका कैसे लगा, ऐसा कैसे लगा, हाउ दिस हैपेंड। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, कल ले लीजिए, कल 22,000 भी क्रॉस हो जाएगा। कल सुबह का वीडियो में मैंने एक बात बोली थी, 22,000 पे 1,06,00,000 कॉल राइटर खड़े हैं। कल सुबह तक थे। अब कल क्या हुआ, मुझे कल मेरी थोड़ी बुखार जैसा लग रहा था तो मैं सो गया और मैं इतना ध्यान नहीं दिया क्या हुआ क्या नहीं। अभी भी मैंने उठ के सिर्फ वीडियो बनाने का एक सोचा और कुछ नहीं किया, तो थोड़ा सा स्लाइटली बुखार हो गई थी एक्चुअली, पता नहीं क्यों हो गई कल। तो ठीक है, अभी तो एकदम आई एम फिट एंड फाइन, बट थोड़ा लेट तक सोया आज मैं। ठीक है, आज लेट ही उठा, बहुत कम होता है ऐसा जब मैं 7 बजे के बाद उठता हूँ। आज तक बहुत रेयर ऐसा दिन होगा, तो जनरली 5:30 6, हाईएस्ट 6:15, 5 5:30 मतलब ये टाइम रहता है मेरा। कभी कभी तो 4:30 बजे भी उठ जाता हूँ। तो आज अपने आप वो जो 22,000 पे जितने कॉल राइटर खड़े थे जो ओवर कॉन्फिडेंट थे, कल उनको भगवान ने मौका भी दिया कि भाई तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अभी काट लो, आज मार्केट नीचे आया है, तुम अपने कॉल्स जो राइट किए हो उनको काट लो। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगा कि क्या अब क्या घंटा जाएगा क्या 22,000 कल, तो वो लोग मार खाते। जो ओवर कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो मार खाते कि अब जब मैंने कल बोला कि कल 22,000 आपका टूटेगा, या तो वेनसडे को टूटेगा या थर्सडे को 22,000 के ऊपर निफ्टी जाएगा, जबकि हम 817 पे क्लोज थे मंगलवार को। तो कल मैंने ये बात बोली कि 22,000 के ऊपर निफ्टी स्पॉट में जरूर जाएगा, 22,050 तक जाएगा, और फ्राइडे तक तो 22,200 तक जाएगा, 22,260 तक, ये भी बोला मैंने और अभी भी वही बात बोल रहा हूँ। अब ये फेड का जो तमाचा आया कि वो लोग 3 रेट कट रखेंगे, बहुत कुछ ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। आज आज मैं कैंडल वैंडल की बात नहीं करूँगा, सीधा एक ही बात करता हूँ, आज 22,050 के ऊपर दिखेगा स्पॉट में एक बार उनको दौड़ाएगा और वहाँ से एक कवर रैली और आनी चाहिए। तो अब सोचो जिन्होंने कल नहीं काटा कि भैया अब क्या 22,000 आएगा, ऑब्वियस है जब कल की क्लोजिंग 21,839 है, 21,839, और मोमेंटम पूरा डाउन साइड का है, और बैंक निफ्टी कल माइनस क्लोजिंग भी दिया, ठीक है, और निफ्टी कल 20 पॉइंट से प्लस क्लोजिंग दिया, तो लोगों को लगा ये मार्केट में अब दम नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, एक तेजी आएगी, 22,260 70 तक, 300 तक निफ्टी ले जा सकता है, वहाँ ठोक देना, क्योंकि वहाँ एक बार मुझे उस लाइन के अंदर नहीं घुसता हुआ दिखता, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन टूटी है उसके अंदर घुसने के लिए उसको 300 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो मुश्किल है। ठीक है, तो ये मैंने क्लियरली आपको समझा दिया दोस्तों। आज क्या है, आज फेड के गवर्नर ने क्या बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आगे महंगाई घटेगी। देखिए, जब माहौल, अमेरिका कल ऑल टाइम हाई बना दिया, 39,510 का ऑल टाइम हाई, 500 समथिंग का ऑल टाइम बना दिया। हम लोग अभी अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, 500 पॉइंट दूर है, 500 पॉइंट कल की क्लोजिंग के हिसाब से, कल की क्लोजिंग के हिसाब से 500 पॉइंट दूर है, और अमेरिका ने कल छाप दिया, तो क्या हम भी छाप देंगे? गुड क्वेश्चन।
बट मैं 300 तक तो आसान भी, तो उसके ऊपर भी आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ अगर। ये पावल साहब बोलते हैं कि भैया सब चुक है, घबराना को कोनी, 3 रेट कट आसी थे, डरो मत, मैं हूँ था कसा गए। तो भैया कल जब मैं बोल रहा था कि तब लोगों को थोड़ी हंसी आई होगी, क्योंकि देखिए जीत हमेशा सच्चाई की होती है अंत में, ये गीता बोलती है। सच्चाई का पथ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है और झूठ वाले रास्ते में तुरंत आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तुरंत। सच्चाई के पथ में थोड़े मोड़ आते हैं लेकिन सही दिशा पे वही लेके जाता है, और सच्चाई के साथ हमेशा पहुंचेगा। सच्चाई यही थी, मुझे पता कि इतने ओवरसोल्ड मार्केट में जो लोग आपको सेल करने बोल रहे हैं वो साले दुनिया के नंबर वन चूतिए हैं, जो या तो खुद कुछ नहीं जानते, आपको चूतिया बना रहे, ठीक है। अब आएगी, अरे यार ऐसे माहौल, तुम एक चीज बताओ, किसी इंसान को तुम पहाड़ से पहले ही नीचे गिरा चुके हो, जमीन पे, पहाड़ से जमीन पे ला चुके हो, 21,800 ला चुके हो 22,526 से, और तुम्हारा ये बता रहा कि अब इसके बैंक अकाउंट में कोई पैसे बचे नहीं, एग्जांपल, ठीक है। अब तुम बोलते हो बैंड जो इससे तुम मैं पैसे वसूल के रहूँगा, तो और उसको गड्ढा खोद के उसको और पाताल में घुसा दूंगा, तो ये उसमें तुम्हारी क्या समझदारी है। तो वैसे मार्केट था ऑलरेडी ओवरसोल्ड आ चुका था, भैया खरीदो, ये बुल मार्केट है, ये अभी तक बियर मार्केट हुआ नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 5% जब भी कोई चीज़ गिरती है, मेरी एक फ़ोटो आप लोग देखते होंगे, बियर मार्केट का डेफिनेशन है ना, 5% को तो पुल बैक मानते हैं, ठीक है। तो 5% तो अभी तक निफ्टी गिरा ही नहीं है टोटल, 22,500 से 5% जोड़िए, तो पुल बैक भी नहीं है। तुम लोग बोलते हो मंदी आ गई है आगे, तो मैं बोलता हूँ भैया तुम लोग स्टॉक मार्केट के लायक आदमी नहीं हो, तुम लोग सलाम वो भाजी बेचो अभी, 10 की लिया, ये कांदा, ये भिंडी, ये बेचो साला, उसमें तुमको समझ में आएगा फटाफट फट। इसका एक कैलकुलेशन आपको चलना पड़ेगा यार, 5% तो एटलीस्ट तोड़े, 5% भी निफ्टी का 22,000 के आंकड़े से भी जोड़े हम, 22,500 के आंकड़े से, तो 1100 पॉइंट के लगभग होता है, ठीक है। तो 21,400 तक आता तो भी वो खाली पुल बैक माना जाता। एनीवे आज मैं ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहता हूँ, पूरे दिन में जो भी होगा दिखाएंगे। जिसको आप ज्वाइन करना, देखिए आज से मैं कॉल्स डाल दूंगा, इन्वेस्टमेंट ग्रुप का चार्जेस आज से 75,000 हो गया, बट आप दोपहर तक पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज से मैं उसमें कॉल स्टार्ट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम, ठीक है। क्योंकि मुझे जो ये था फैट का, मैंने इसलिए रुका हुआ था, ठीक है, और जो मुझे पता भी था कि ठीक आएगा, फिर भी आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क। और इसके बाद क्या था, होली टू होली 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी ग्रुप, 1 साल के लिए 9,000 पूरी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और क्लासेस के लिए सैटरडे तक ज्वाइन कर सकते हो 6,000 डाल के। दैट्स इट, रेस्ट ऑल, लव यू ऑल, गुड लक। पूरा लाल इसलिए ओके आया हूँ कि पूरा ग्रीन करा के दिखाऊंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।